Yes. Impact of Russian Revolution on Russia. Now, what were the impacts of Russian Revolution on Russia? As you have done the whole chapter, you can write yourself, you can frame points yourself. But फिर भी हम एक बार इसे कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही बताओगे ना, एब्सोल्यूटिस्ट या ऑटोक्रेटिक रूल केम टू एन एंड इन रशिया. पहले तो आप यही बता दोगे, ऑटोक्रेटिक रूल एंड हुआ था. ठीक, नेक्स्ट आप बता दोगे कंडीशन ऑफ वर्कर्स इम्प्रूव्ड. आपको जो जो इसमें प्रॉब्लम्स थी ना वो सारी सॉल्व कर दो. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोक्रेटिक रूल इन रशिया केम टू एन एंड, कंडीशन ऑफ वर्कर्स वाज इम्प्रूव्ड, उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो चुकी थी. ठीक है, क्रेचेस वर सेट अप. क्रेच, क्रेच पता है ना, प्लेवे. क्रेचेस प्लेवे से पहले जब छोटे बच्चों को पेरेंट्स छोड़ देते हैं जहां पे वर्किंग होते हैं, तो क्रेचेस वर सेट अप फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स. क्रेचेस सेटअप हुई थी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स. As you know it well na, earlier women carried their small kids with them in the industries. Kyunki women factories mein jab work karti thi, they had to carry their kids with them. But now crutches were, aap likhoge crutches were set up for the children of women workers. Now next point aap bata sakte ho, children of poor peasants were allowed to join higher universities. Children of poor peasants were allowed to join universities for higher education. Children of poor peasants were allowed to join universities for higher education. Unke bachche ab universities mein ja sakte the for higher education. Next, Russia became super power. Under Tsar, it was backward country. Russia became super power. Under Tsar, it was backward country. आप पढ़ चुके हो Tsar के अंदर ये backward country थी. But it made great progress. Firstly under Lenin and then under Stalin. Listen carefully. Russia became super power under Tsar. Tsar ke under ye kaisi country thi? It was backward country. As you know it very well na, ki Tsar ke under Russia was backward country. Industrial revolution bahut late aaya Russia mein. Under Tsar it was backward country. It made great progress. Firstly under Lenin and then under Stalin. स्टालिन भी पता है ना, बोल्शेविक लीडर. लेनिन बोल्शेविक लीडर, भूल तो नहीं गए कहीं. गुड. नेक्स्ट इज, लिसन अगेन, आपको जो जो प्रॉब्लम्स दिखती थी ना उसमें चैप्टर में, वो सारी फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोक्रेटिक रूल का एंड हुआ. देन वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव हुई. वुमेन वर्कर्स के बच्चों के लिए क्या आ गई, क्रैचेस. पीजेंट्स के बच्चे कहाँ जाने शुरू हो गए, यूनिवर्सिटीज फॉर हायर एजुकेशन. रशिया सुपर पावर बन गई. ठीक है, एंड रशिया बिकेम सोशलिस्ट कंट्री. रशिया बिकेम सोशलिस्ट कंट्री. सो इट्स इनफ. इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन वर्ल्ड. वर्ल्ड, यहाँ ग्लोबल इम्पैक्ट पूछा जाता है पेपर में. ग्लोबल इम्पैक्ट भी वर्ड आ सकता है, वर्ल्ड भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन द विश. आप ग्लोबल भी साथ में लिख लो. ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, यहाँ पर इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन वर्ल्ड. ठीक है, किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आए तो यू हैव टू राइट द आंसर. ग्लोबल इम्पैक्ट आ गया, आंसर इज सेम. इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन रशिया आ गया, सॉरी ऑन वर्ल्ड आ गया, तो आंसर इज सेम. ग्लोबल इम्पैक्ट मीन्स वर्ल्ड. तो इसमें आप क्या बताओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओगे स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म. स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म हेडिंग बना दोगे, स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म. इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, स्प्रेड ऑफ
सोशलिज्म। अब इसमें आप बताओगे स्प्रेड स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म आपका बन जाएगा फर्स्ट पॉइंट। अब इसमें आप बताओगे रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम सोशलिस्ट, रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम सोशलिस्ट आफ्टर रेवोल्यूशन। सो फ्रॉम रशिया आइडिया ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड टू अदर कंट्रीज, सो फ्रॉम रशिया आइडिया ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड टू अदर कंट्रीज एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड बिकमिंग सोशलिस्ट, ठीक है, इस वे से लिख दो। आइडिया ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड टू अदर कंट्रीज दे ऑल्सो स्टार्टेड बिकमिंग सोशलिस्ट। रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम सोशलिस्ट, सो द आइडिया ऑफ सोशलिज्म स्प्रेड टू अदर कंट्रीज फ्रॉम रशिया एंड दे ऑल्सो ट्राइड टू बिकम सोशलिस्ट, वो भी कोशिश करना शुरू होगी कि वो भी सोशलिस्ट बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट वॉर बिटवीन, वॉर हेडिंग बनाओगे वॉर बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, वॉर बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, वॉर बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। इसमें आप बताओगे इन रशिया लैंड बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इन रशिया लैंड बिकेम द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो ओन्ड बाय गवर्नमेंट नॉट बाय इंडिविजुअल्स। सो दिस आइडिया स्प्रेड इन अदर कंट्रीज एंड देयर वर वॉर्स बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। In Russia, land became the property of the state government. Industries, after the revolution, industries were owned by state government, not by an individual. This idea got spread in other countries and there were wars. लड़ाइयाँ शुरू हो गई, there were wars between कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट के आपस में ही झगड़े होने शुरू हो गए पूरे वर्ल्ड में। लोग कैपिटलिज्म के अगेंस्ट होते जा रहे थे, लोग सोशलिज्म की फेवर में आ रहे थे, ठीक है। देयर वर वॉर्स बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट आप बता दोगे कम्युनिस्ट स्टेट, कम्युनिस्ट स्टेट कम्युनिस्ट स्टेट आफ्टर रेवोल्यूशन रशिया बिकेम अ कम्युनिस्ट स्टेट। Russia was the first country that became communist state. After revolution, Russia was the first country that became communist state. ये first country थी जो socialist बनी, ये first country थी जो communist बनी, ठीक है। Russia became communist state. So, communist parties, various communist, so, कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्मड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कम्युनिस्ट पार्टीज बन गई दूसरी कंट्रीज में भी। लिसन अगेन, आफ्टर रेवोल्यूशन रशिया वॉज द फर्स्ट कंट्री दैट बिकेम कम्युनिस्ट स्टेट, सो इन अदर कंट्रीज
कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड। दूसरी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बननी शुरू होगी। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है ना, सो इन अदर कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज वर फॉर्म्ड। दूसरी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बननी शुरू हो गई, मीन्स ये भी आइडिया रशिया से ही गया था। ठीक है, नेक्स्ट। एक मिनट, ये बच्चे की प्रॉब्लम है। वंशिका, यस वंशिका, आई हैव अनम्यूटेड यू वंशिका। वंशिका अनम्यूट योर सेल्फ। वंशिका इज दिस एनी प्रॉब्लम? नो, लिसन केयरफुली। आई नेक्स्ट, आप इसमें बता सकते हो रशिया बिकेम सुपर पावर, ये हेडिंग इसमें भी लिख सकते हो आप। ठीक है, यू कैन राइट हेयर ऑल्सो दिस पॉइंट। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ डेमो, वो मैं नहीं रिपीट कर रही। रशिया बिकेम सुपर पावर, यू कैन राइट। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी या मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी ऐसे लिख दो, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड। ठीक है, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड। अब इसमें आप बताओगे अर्लियर पीपल वर गिवन पॉलिटिकल इक्वालिटी, अर्लियर पीपल वर गिवन पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नाउ दे डिमांडेड इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी आल्सो। अर्लियर पीपल वर गिवन पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नाउ दे डिमांडेड सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी आल्सो बिकॉज देवर ऑन द व्यू दैट अर्लियर पीपल वर गिवन पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नाउ दे डिमांडेड सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी आल्सो बिकॉज देवर ऑन द व्यू दैट विदाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी, सॉरी, बिकॉज देवर ऑन द व्यू दैट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी डेमोक्रेसी हैज नो मीनिंग। अर्लियर पीपल वर गिवन पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नाउ दे डिमांडेड इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी बिकॉज देवर ऑन द व्यू दैट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी डेमोक्रेसी वर्ड हैड नो मीनिंग, डेमोक्रेसी वर्ड हैड नो मीनिंग। वो कहते हैं बिना इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी के डेमोक्रेसी तो यूजलेस है। सो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड, सो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी या मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड, सो द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी रीडिफाइंड। लोगों को पहले क्या मिली हुई थी? पॉलिटिकल इक्वालिटी। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इक्वालिटी यूजलेस है विदाउट इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, दे डिमांडेड पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी यूजलेस है विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सो द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी गॉट रीडिफाइंड। सो ये आपका टॉपिक बन गया इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन ऑन वर्ल्ड। ठीक है, मिक्स नहीं करना, पॉइंट्स चेंज है दोनों में। अब एक मिनट, मैं आपको पूछती हूँ सोशल कंडीशन ऑफ रशिया एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशिया, लिसन केयरफुली। पॉलिटिकल कंडीशन अगर पेपर में आए तो यू कैन राइट ऑटोक्रेटिक रूल था, नो नीड टू राइट लेसन ओनली बिकॉज यू हैव डन ऑल, होल चैप्टर हम कर चुके हैं। अब मैं बीच बीच में क्वेश्चंस बना के पूछती हूँ आपसे, क्वेश्चंस बोलते हैं मैं बोलूँगी, लिसन देम। फॉर एग्जाम्पल आपको आ गया पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ रशिया,
तो यू कैन फ्रेम दीज पॉइंट्स ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप यही बताओगे ऑटोक्रेटिक रूल था, पावर्स रिच के हाथ में थी, है ना, एंड ज़ार कंसल्टेड ओनली रिच पीपल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है। तो पॉलिटिकल में आप ये भी बताओगे ज़रीना के बारे में कि ज़रीना का इन्फ्लुएंस था एंड ज़रीना वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रास्पुतिन रशियन मॉन्क, ऑलवेज मिसगाइडेड ज़ार, सो पीपल वर अनहैप्पी विद दिस टाइप ऑफ रूल एंड वॉन्टेड फ्रीडम फ्रॉम सच टाइप ऑफ रूल, फ्रॉम ऑटोक्रेटिक रूल वो फ्रीडम चाहते थे। तो ये तो हो गया पॉलिटिकल कंडीशन। ये पॉलिटिकल कंडीशन में यही बताओगे ना ऑटोक्रेटिक रूल था, पावर्स ज़ार के हाथ में थी, कंसल्टेड ओनली रिच फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ठीक है। तो इस वजह से ज़रीना का भी होल्ड था, ज़रीना अच्छी पार्टनर नहीं थी, शी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रास्पुतिन, ही वॉज रशियन मॉन्क, शी ऑलवेज मिसगाइडेड ज़ार, तो समटाइम्स ज़ार टुक रॉन्ग डिसीजंस, ठीक है, रॉन्ग डिसीजंस लेता था। फॉर एग्जाम्पल ही पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो लोग सेटिस्फाइड नहीं थे ऐसे रूल से, अपने वे से बना के पॉलिटिकल कंडीशन लिखनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको पेपर में आ जाए, लिसन केयरफुली, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रशिया, तो यू नो इट वेरी वेल, रशिया वॉज बैकवर्ड कंट्री अंडर ज़ार, नो इट ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम लेट इन रशिया, ये सब आप कर चुके हो। हाउ टू डू, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, सबसे पहले इकोनॉमिक मीन्स पैसे को लेके आपने बताना होता है, तो आपको पता ही है बैकवर्ड कंट्री थी, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेट आया रशिया में, रशिया में जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज थी, देवर ओन्ड बाय फॉरनर्स। अब रशिया में वर्कर्स की कंडीशन पुअर थी, देवर गिवन लो वेजेस, वुमेन वर्कर की कंडीशन भी पुअर थी, उनको भी लो वेजेस मिलते थे एज कम्पेयर टू मेल, वुमेन की वेजेस और कम थे, कंडीशन ऑफ द पीपल वॉज नॉट गुड, पीजेंट्स जो पुअर पीजेंट्स थे उनकी भी कंडीशन पुअर थी, तो पीपल हैड टू पे टैक्सेस आल्सो, सो इकोनॉमिक कंडीशन इन रशिया वॉज नॉट गुड, ठीक है। और साथ में आप यहाँ पे ये भी बताओगे 85% पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट, 85% लोग जो थे ना रशिया में देवर एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट थे, और उसमें से पुअर पीजेंट्स उनकी कंडीशन बहुत पुअर थी, बस इतना सा आप बता दो इकोनॉमिक कंडीशन। मीन मेन आपने यहाँ पे ये बताना है कि बैकवर्ड कंट्री थी रशिया, वॉज बैकवर्ड कंट्री अंडर ज़ार, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती थी अंडर ज़ार, देर वॉज नो इकोनॉमिक ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ज़ार, ज़ार के पीरियड में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही थी, देर वर नो इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केम लेट इन रशिया, मोस्टली द इंडस्ट्री, देर वर फ्यू इंडस्ट्रीज एंड देवर ओन्ड बाय फॉरनर्स, फॉरनर्स पेड लिटिल वेजेस टू द वर्कर्स, कंडीशन ऑफ वर्कर्स वॉज वेरी पुअर, वुमेन वर्कर की कंडीशन और पुअर थी, देवर गिवन लो वेजेस एज कम्पेयर टू मेल वर्कर्स, 85% पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। तो ये आप इसमें बताओगे और साथ में बताओगे पुअर पीजेंट्स, कंडीशन ऑफ पुअर पीजेंट्स वॉज वेरी पुअर, उनकी कंडीशन बहुत पुअर थी, इज इट क्लियर, इकोनॉमिक कंडीशन लिखना आएगा, अपने वे से पैसे को लेके बैकवर्ड कंट्री को लेके लिखना है, पॉलिटिकल कंडीशन में ऑटोक्रेटिक रूल, अरिस्टोक्रेट, फिर आप बताओगे ज़रीना के बारे में कैसे रॉन्ग डिसीजन लिए जाते थे, लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है। अब आपको अगर आ जाए सोशल कंडीशन, व्हाट डू यू नो अबाउट द सोशल कंडीशन ऑफ रशिया, तो अब आपने इसमें क्या लिखना है, सबसे सोशल मीन सोसाइटी, ठीक है, सोशल जब लिखते हैं तो सोसाइटी, तो आपको लोगों के बारे में सोचना है सबसे पहले, वहां पे कैसे लोग थे, इसमें लोग हाईलाइट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है 85% लोग जो थे वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा सोसाइटी में। फिर आप बताओगे वहाँ पे वर्कर्स भी थे, मेटल वर्कर्स भी थे और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स भी थे, ठीक है, वुमेन वर्कर्स भी थी। पहले तो आप सोसाइटी के बारे में बताओ कि लोग कैसे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल कि देयर वर 85% पीपल इन रशिया वर एग्रीकल्चरिस्ट। फिर आप बताओगे मेटल वर्कर्स थे, फिर आप बताओगे वर्कर्स, देयर वर वर्कर्स हु वर्कड इन इंडस्ट्रीज, देयर वर 31% वुमेन वर्कर्स आल्सो वर्कड इन फैक्ट्रीज, 31% वुमेन वर्कर्स वर्कड इन फैक्ट्रीज। लिसन अगेन, जब सोसाइटी बताते हैं तो हम यही बताएंगे ना कैसे कैसे लोग थे। सबसे पहले आप यही बताओगे कि 85% लोग क्या थे, एग्रीकल्चरिस्ट। आपको पता है 85% बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ, क्योंकि बाकी कंट्रीज में 50 या 60% थे, फ्रांस में अगर ले तो 60% पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। रशिया एक ऐसी कंट्री थी जहाँ पे 85% पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट।
फिर आप बताओगे वहाँ पे मेटल वर्कर्स थे, ठीक है, वहाँ पे वो भी वर्कर्स थे जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, और 31% वुमेन वर्कर्स भी वहाँ पे थी, ठीक है। अब आप बताओगे कि पीजेंट्स जो थे दे वर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, पीजेंट्स इन रशिया वर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स में बटे हुए थे। सबसे पहले लैंडलेस वेरी पुअर पीजेंट्स, लैंडलेस वेरी पुअर पीजेंट्स हु वर्क्ड ऑन द फील्ड्स ऑफ अदर्स, लैंडलेस पुअर पीजेंट्स हु वर्क्ड ऑन द फील्ड्स ऑफ अदर्स, देन मिडिल क्लास ओनर्स ऑफ स्मॉल फार्म लैंड, जिनके पास थोड़ी सी लैंड थी, ओन स्मॉल पीस ऑफ लैंड, कुछ भी आप लिख सकते हो, मिडिल क्लास पीजेंट्स, देन वेरी रिच पीजेंट्स लैंडलॉर्ड्स, वेरी रिच पीजेंट्स लैंडलॉर्ड्स, अब पुअर पीजेंट्स वर नॉट हैप्पी विद रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स जो थे दे वर नॉट हैप्पी विद रिच पीजेंट्स, दे ऑलवेज वॉन्टेड, और वो हर टाइम क्या चाहते थे, दे ऑलवेज वॉन्टेड दैट लैंड ऑफ रिच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दैम, वो हर टाइम चाहते थे कि लैंड ऑफ रिच शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दैम, एंड sometimes they murdered their landlords, sometimes they murdered the rich peasants or landlords, unke murder kar dete hote the kai baar, and sometimes they murdered their landlords or rich peasants, so peasants in russia they were not poor peasants in russia they were not happy with rich peasants, okay, now is it clear, ek aur form mein question aa sakta hai। अब ये तो होगी सोशल कंडीशन, लिसन अगेन, हाँ एक इसमें ये भी बता सकते हो, मेटल वर्कर्स जो थे ना वो थोड़े रिच थे, मेटल वर्कर्स सुपीरियर कहे जाते थे, ठीक है, जो वर्कर्स हु वर्कड इन फैक्ट्रीज देयर कंडीशन वाज वेरी पुअर, वुमेन वर्कर का तो आपको पता ही है कंडीशन वाज वेरी पुअर, मैं इसलिए नहीं करवा रही, डू दीज टॉपिक्स यूर सेल्फ, आपको सोशल कंडीशन जब करनी है सोसाइटी को दिमाग में रख के करना है कि 85% लोग एग्रीकल्चरर्स थे, रिच पीजेंट्स थे, पुअर थे, वेरी पुअर थे, वर्कर्स थे, मेटल वर्कर्स की कंडीशन अच्छी थी, फैक्ट्रीज में काम करने वालों की कंडीशन अच्छी नहीं थी, ठीक है, डिपेंड अपॉन यूर विश हाउ टू राइट, 31% वुमेन वर्कर्स थी उनकी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, ठीक है, इट डिपेंड अपॉन यूर विश हाउ टू राइट, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता होता है, रशियन सोसाइटी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, वाई, रशिया के लोग दूसरी कंट्रीज के लोगों से डिफरेंट थे, वो तो मैंने अभी पॉइंट बोला है कि रशिया में रिच पीजेंट्स से पुअर पीजेंट्स वर नॉट हैप्पी एंड दे ऑलवेज मर्डर्ड देयर लैंडलॉर्ड्स, वो अपने लैंडलॉर्ड्स के मर्डर कर देते होते थे, ठीक है, तो इस वजह से हम कहेंगे रशियन सोसाइटी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, लिसन अगेन, ये क्वेश्चन एक लाइन लिख लो, व्हाई हाउ रशियन सोसाइटी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, इसी में से ही बन जा रहा है ये क्वेश्चन, रीजन क्या था व्हाई रशियन सोसाइटी वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, क्यों डिफरेंट थी, इन रशिया poor peasants were not happy with rich peasants and they always demanded that land of rich was distributed among them, wo har time chahte the ki land hamare mein bant jaye, rich ki land hame mil jaye, wo ye chahte the hamare mein baant do ye land, and they murdered their landlords, sometimes they murdered their landlords, murder bhi kar dete hote the unke। अब हम इसको कंपेयर करेंगे फ्रांस के साथ, तभी हम बता पाएंगे वाई डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, फिर यहाँ पे आप एग्जांपल दोगे, फॉर एग्जांपल इन फ्रांस, आपने ये पढ़ा नहीं है चैप्टर में, नहीं था, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल इन फ्रांस पुअर पीजेंट्स नेवर मर्डर्ड देयर लैंडलॉर्ड्स, आपने इतना तो पढ़ा ही है, फ्रांस में कभी भी सुना पुअर पीजेंट्स अपने लैंडलॉर्ड्स के मर्डर करते थे या उनसे लैंड मांगते थे, ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा फ्रांस में, for example in France poor peasants never murdered their landlords, they helped their landlords whenever they needed,
उन्होंने तो अपने लैंडलॉर्ड्स की हेल्प की थी व्हेन एवर दे नीडेड, जब भी उनके लैंडलॉर्ड्स को हेल्प चाहिए होती थी ना उन्होंने हेल्प की। इन ब्रिटनी रिवोल्ट, ब्रिटनी BRITNY, ब्रिटनी BRITNY, ब्रिटनी, इन ब्रिटनी रिवोल्ट, इन ब्रिटनी रिवोल्ट पुअर पीजेंट्स हेल्प्ड देयर लैंडलॉर्ड्स, इन ब्रिटनी रिवोल्ट पुअर पीजेंट्स ऑफ फ्रांस हेल्प देयर लैंडलॉर्ड्स, हेल्प्ड देयर लैंडलॉर्ड्स। अब रशियन सोसाइटी कैसे डिफरेंट थी हम ये बता रहे हैं, एक तो इस चीज में डिफरेंट थी इन रशिया, एक और चीज में डिफरेंस था 31% वुमेन वर्कड इन फैक्ट्रीज। आपने फ्रांस में पढ़ा वुमेन फैक्ट्रीज में काम करती थी, वो अपने बिजनेस चलाती थी फ्रांस में। इन रशिया 31% वुमेन वर्कड इन फैक्ट्रीज, वेयर एज इन फ्रांस वुमेन रन देयर स्मॉल बिजनेस। और वर्कड एज फ्लोरिस्ट, या तो वो फ्लोरिस्ट थी, फूल बेचती थी वो। तो इस वजह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। कंडीशन ऑफ कैसे डिफरेंट थी रशियन सोसाइटी फ्रॉम अदर कंट्रीज, तो एक आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कुलक्स, ये मैं बैक क्वेश्चंस को देख के बोल रही हूँ। कुलक्स वर्ड आ जाए तो हाउ टू राइट, आपने बताना है वेरी रिच पीजेंट्स इन रशिया वर नोन एज कुलक्स, ठीक है। ये भी आप कर चुके हो इसलिए मैं नहीं करवा रही, नो नीड टू राइट, सिर्फ सुन लो। वेरी रिच पीजेंट्स इन रशिया वर नोन एज कुलक्स। अब इनकी पावर स्टालिन ने छीनी थी, यू नो इट वेरी वेल, ड्यूरिंग कलेक्टिवाइजेशन स्टालिन रिमूव्ड कुलक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द लैंड ऑफ कुलक्स अमंग पुअर पीजेंट्स। यू नो इट वेरी वेल ना, कलेक्टिवाइजेशन के टाइम स्टालिन ने कुलक से लैंड छीन के किसको दे दी थी, पुअर पीजेंट्स में बांट दी थी। तो यू कुलक्स के बारे में आप ऐसे बता सकते हो। एक और टॉपिक है बुक में डुमा, ये भी आप कर चुके हो एंड यू हैव टू राइट योर सेल्फ। कैसे लिख सकते हो आप इसको, पहले तो आपको बताना है रशियन पार्लियामेंट, नेम ऑफ रशियन पार्लियामेंट, डुमा इज द नेम ऑफ रशियन पार्लियामेंट। किसने क्रिएट की, जार, इट वॉज क्रिएटेड बाई जार इन 1905 आफ्टर द 1905 रेवोल्यूशन। पता है ना 1905 के रेवोल्यूशन के बाद जार ने डुमा क्रिएट की थी, यू नो इट वेरी वेल ना, किया था ना ये आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1905, जब वॉयलेंस हुई थी पूरी रशिया में, स्ट्राइक हो गई थी, तो जार को क्या क्रिएट करनी पड़ी थी, डुमा। पहले तो आप बताओगे इट वॉज द नेम ऑफ द रशियन पार्लियामेंट, आफ्टर द 1905 रेवोल्यूशन ही क्रिएटेड डुमा, ठीक है। नाउ हिज पावर्स बिकेम लिमिटेड, जार वॉज नॉट सेटिस्फाइड, वो खुश नहीं था इस बात से, दैट्स वाई ही सस्पेंडेड डुमा आफ्टर 75 डेज। उसने 75 डेज के बाद डुमा को सस्पेंड कर दिया, बस ये आप इस पे लिखोगे। इट मीन्स चैप्टर रशियन रेवोल्यूशन कंप्लीट एंड यू हैव डन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सारे क्वेश्चन आंसर्स भी आप कर चुके हो, कंप्लीट भी हो गया चैप्टर। और अब आपको क्या करना है, आपको इतना पता चल गया होगा एवरी वीक देयर इज अ टेस्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स प्लीज रिवाइज टॉपिक्स, जो आज मैंने आपको करवाया यू हैव टू रिवाइज ऑल।